फाइनली हम लोग चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। लोड तो मेरा बन रहा था, डेस्टिनेशन की ओर कोई बात झंडा तो ले लिया, अब बाद में की दुकान देख रहे हैं। रुड़की का सिस्टम देख लो गाइस, हमारे यहाँ रुड़की में तरह तरह की रैली निकल रही है। रुड़की का सिस्टम ही अलग है, रुड़की में जो भी चीज हो रही है पूरी जोरों शोरों से की जा रही है, पूरी जोरों शोरों से मनाई जा रही है। चाहे वो भी कह दो कि रिपब्लिक डे हो या कुछ भी हो, सब चीज गजब एकदम मस्त। जी मंदिर के भी दर्शन कराते हैं आपको, वैसे तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा था मंदिर, पर मंदिर मेरे लिए मैंडेटरी है। देखो ये हमारे यहाँ का मंदिर है, ये कुछ शॉप्स हैं अच्छी तरह से इन्होंने फ्लैग वगैरह लगा रखा है। सुबह ही मेरे ख्याल में इन्होंने करी तो होगी फ्लैग होस्टिंग, बाकी ये देखिए। अरे भैया आप ही ड्यूटी सो गए सुबह। कम से कम मैंने 4-5 जनों को फोन करा, ऋषभ भैया को इसलिए नहीं करा था क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था ऋषभ भैया का, और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट 3-4 जनों के साथ मैंने जिन्होंने मेरे को कहा था प्रणय भाई सुबह मिलेंगे, भाई सारे धोखेबाज निकले यार। एक ने भी जो फोन उठाया, करण ने उठाया था पर यार वो बेचारा अभी घर के काम में लगा हुआ था, तो मैंने ज्यादा फोर्स नहीं करा उसे आने के लिए। नहीं तो मेरा मन था कि मैं IIT जाऊं, IIT में मेन बिल्डिंग में होता है। एक ने डर को ही नहीं सुन लूं पब्लिसिटी मेरे से कराई जा रही है इस चीज के, मैं पैसे जरूर लूंगा इनसे। भाई को लग रहा है पब्लिक रिएक्शन मैं कलेक्ट करूं इनका, तो मैं कर तो दूंगा पर मैं इस चीज के पैसे जरूर लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं अभी बात कर रहा था कि हम लोगों ने मतलब सुबह IIT भी अभी बहुत अच्छी तरीके से सब होता है कि फ्लैग होस्टिंग और क्या नाम है डांस ये वो, उसमें मेन मीटिंग में होता है। मैं हर साल जाता हूँ, इस साल तो मैं सुबह ही आज सुबह 7:30 बजे नहाया भी था, उठा भी जल्दी, पर मैं क्या करूँ अब अकेला मैं कितना शूट करूंगा। मैंने सोचा था कि हाँ मेरे साथ कोई होगा तो मैं उससे शूट करवा लूंगा। भाई तो ना मुझे बुलाया नहीं, नहीं तो मैं तो आ जाता, मैं तो इसके ब्लॉग में हमेशा आता हूँ। भाई आपका तो फुल सपोर्ट है, सुबह समय मुझे पता नहीं था, मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया। मैं तेरे को कहता हूँ जब तेरे को ब्लॉग बनाना मेरे को पता, जैसे मैं तेरे को उठा के ले चलता तू मेरे को उठा के ले चल, मैं आऊंगा फिर। नहीं यार भाई ऋषभ भाई का फुल सपोर्ट है मुझे, और मेरे घर वालों का जितना सपोर्ट है उतना ही ऋषभ भाई का सपोर्ट है। जाओ जरा इनकी भी शूट कर दूं पब्लिक रिएक्शन, कह रहे थे पब्लिक रिएक्शन शूट करते हैं। अभी कह रहा है अक्कू भाई की बाइक का, लो देखो साउंड सुन लो इनकी बाइक का, करना जरा। तो पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे भाई, पहले ही नहीं देख रहे कंपटीशन कर रहा भाई, कंपटीशन चल रहा है यार। जो भी जावा लेके ड्यूक लेके घूम पूरी रिप जितना कर सकते हैं भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी भाई, मतलब इन्होंने पूरा रिएक्शन मैंने कलेक्ट किया यार। पब्लिक एक तरफ हो गए, सब छोड़ दिए सबने भाषण भूषण सुनने, भाई भाई की बाइक को देख रहे थे सब। बंद है रास्ता, बंद है घुमाओ साइड से देखो है। सो अभी हम लोगों ने साइड से निकल रहे हैं क्योंकि ये चेक करो भाई मजा आ गया झंडा देख के यार, गजब एकदम। इनके सिस्टम अटक गए थे अभी। सो इन्होंने अपनी बाइक पे लगाया हुआ था सारा राइडिंग, क्योंकि इनका बेसिकली राइडिंग ब्लॉग है। सो उन्होंने 360 कैमरा लगाया हुआ था, वहां पे था एक तार अटक जाता उसमें बाइक में, लो भैया हो गया था 25-30 हजार का नुकसान। से इसमें ब्लॉगिंग करनी शुरू करी वीडियो वगैरह भाई, एक तो स्टोरेज मेरी पूरी स्टोरेज भर गई, और दूसरी चीज मेरा हो रहा है बैटरी का इशू, मेरे को इतनी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ मैं, बैटरी इसकी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मल फोन है कि इतना ब्लॉगिंग ये वो इतना कुछ खास है नहीं, पर बढ़िया देता है यार वीडियो, बढ़िया देता है मेरा फोन। इसको ना प्यार से रखूंगा तभी तो ये मेरा ख्याल रखे, मैं इसका रखता हूँ तभी ये मेरा ख्याल रखता है, और तभी आप लोगों को बढ़िया बढ़िया वीडियो देता है। अभी हम लोग चलते चलते एक जगह और पहुंचे हैं, जगह का नाम बता दूं। अरे छोड़ो क्या करोगे जान के आप, आर यू कॉमेडी मी। सो यहाँ भी ये निकली है एक रैली, दिखाऊंगा किसी स्कूल की, NCC वाले बच्चे भी हैं, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया यार। एक और रैली निकल रही है, इन लोगों को देखो, लो चेक करो
अभी एक करतूत कर देता हूँ मैं इसमें, अभी मैं देखता हूँ इनके रिएक्शंस लेंगे। भाई मुझे तो इन्होंने एज अ बाइकर इस्तेमाल करा, क्योंकि आज हमारे साथ एक बाइकर था। हम लोग घूमते फिरते चलते चलते पता नहीं कुछ नई सी मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई लोकेशन है, चेक कर सकते हो आप लोग, मेरे लिए बिल्कुल नई जगह है। अब आगे देखो, अभी मेरे को फोटो खिंचानी है, आज झंडे के साथ मेरे को फोटो खिंचानी है, फ्लैग तो कह रहे हैं फोटो खिंचानी है जबरदस्त, जितना हो सकेगा उतने फोटोज खिंचाऊंगा मैं मस्त एकदम, आईफोन भी इनके पास, एकदम गजब फोटोज आएंगी। यो 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 यो, बाकी चेकआउट करो, व्यू भी दिखाता हूँ आपको। मैं भी कह रहा था ना व्यू चेक करो, ये है व्यू। और इस व्यू में मैं भी आ गया, आ तो गया मैं भी आ गया। ये लोग अभी पूरी शूटिंग वूटिंग चलेगी इनकी, गप मस्त एकदम धूप। यार भाई पहली बार 26 जनवरी को पहली बार मुझे धूप देखने को मिली, मेरा दिल खुश हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। बातचीत चल रही इनकी बाइक पर, मैं नहीं खेल रहा ये मतलब हमारे से कंटेंट इकट्ठा करा जा रहा है। अरे कंटेंट क्या, तुम्हारी बातचीत दिखा रहा था, इतनी इतने खो गए इसमें ना मेरी इससे बातचीत। गियर भी देख के निकालने की बात चल रही थी भाई, कितने साल हो गए लिए वैसे जल्दी मुंह फेर लिया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया ऐसे यार? मैं कंटेंट में लोग रील रील खेल रहे हैं, मैंने ये हेलमेट महंगे वाला पहन लिया। नो डिलीवर लिखा आ रहा मैसेज भी खत्म, बाय बाय टाटा सीओ। इनके टाटा से यूनी खत्म होने में आ रहे। अभी हम शूट, मैं एक ब्लॉग वो मैं एक रील शूट कर रहा हूँ अपनी, अच्छी सी बनवाऊंगा नए नए कपड़े महंगे महंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत घंटे खराब करके इनके साथ बातें बातें मार के फुल काफी देर हमने कहना है फोटो शूट वगैरह करा। मेरी कोई खास फोटो आ नहीं रही क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं, आप लोगों को पता है। बस अब निकलने वाले हैं यहाँ से, निकल के रास्ते में आपको कुछ और दिखेगा तो बताऊंगा, दिखा दूंगा। बाकी मैं पूरा वाइड एंगल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लंबाई का फायदा उठा रहा हूँ बेसिकली, तो साफ सीधी बात तो ये है, जितना ज्यादा लंबाई का फायदा उठाऊंगा उतना आप लोगों को बढ़िया दिखेगा मस्त एकदम। हम पहली बार आए हम इस जगह, पता नहीं क्या है जगह का नाम, धरती पे नहीं, मैं तो उड़ने लग रहा था हवा में, फिर इन लोगों ने बताया कि नहीं नहीं आप धरती पे हो, तो धरती पे हम वापस आ चुके हैं। सो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अभी कुछ भी होगा वो क्लिप भी मैं एडिट कर दूंगा, एडिट करके डालने में मुझे कोई ऐसी दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, काफी देर यहाँ पे स्पेंड किया हम लोगों ने, काफी मत्था मारा, रील बनवाई इनकी भी। ये लोग बाइक ले आते हैं यार, रील वील बनानी नहीं आती, तो मैंने अच्छे से अपनी रील बनाई। बाकी उसके बाद इन लोगों ने अपनी, अभी भैया भी अपना व्लॉग व्लॉग एंड कर रहे हैं, छोड़ो नहीं। तो अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी सारा कंटेंट भी है उसमें, मज़ेदार एकदम ज़बरदस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। ओके टाटा बाय बाय।